घुटने की आर्थराइटिस कई प्रकार की होती है। इनमें से सबसे जो कॉमन आर्थराइटिस होती है उसको कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ में होती है। दूसरे प्रकार की जो आर्थराइटिस होती है उसको गठियावाद कहा जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। गठियावाद में जो घुटने डैमेज होते हैं उनका उम्र से कोई रिलेशन नहीं होता है। गठिया बच्चों के साथ बड़ी उम्र में भी हो सकता है। तीसरे प्रकार की आर्थराइटिस जो कि चोट लगने की वजह से होती है, अगर आप एक्सीडेंट में अपने घुटने के आसपास की हड्डियां डैमेज हो जाती हैं, लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं, उससे जो आगे जाके आर्थराइटिस होती है उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। अब बात करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, जो कि उम्र बढ़ने के हिसाब से होती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली एक डिजीज बीमारी है कार्टिलेज की। समय के साथ में, उम्र के साथ में जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे घिसना चालू हो जाता है। एक सामान्य घुटने देखेंगे आप, उसमें जो कार्टिलेज है ये बिल्कुल चिकना होता है, ये जिसपे अपने घुटने के सारे मूवमेंट्स होते हैं। धीरे धीरे ये कार्टिलेज डैमेज होना चालू हो जाता है, इसमें घर्षण होता है, ऊपर और नीचे की जो परत है वो धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाती है, और ये जो डैमेज है ये धीरे धीरे और बढ़ता जाता है, और जो जो अंदर की तरफ जो हड्डियां होती हैं वो दिखने लगती हैं, और घुटनों के बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाता है और दोनों हड्डियां आपस में घर्षण करने लगती हैं। ये आप एक्सरे में देखेंगे, आपके बाई तरफ जो आपको एक्सरे दिख रहा है वो एक सामान्य घुटने का एक्सरे है। इसमें आप देखेंगे दोनों हड्डियों के बीच में बराबर की स्पेस मेंटेन की हुई है। बीच वाला एक्सरे आप देखेंगे, इसमें देखेंगे आप अंदर की तरफ जो स्पेस होती है, जो जगह होती है वो कम होती जा रही है। ये मॉडरेट आर्थराइटिस है। और आप लेफ्ट राइट साइड में देखेंगे अपने, तो ये जो जगह है अंदर की तरफ पूरी खत्म हो चुकी है और दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। और यहां आप देखेंगे लेटरल साइड पे भी, बाईं तरफ भी, यहाँ पे नई हड्डियां बननी चालू हो गई है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। इसको एडवांस्ड आर्थराइटिस कहा जाता है।